जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज मैं आपको गूंदे का अचार बताऊंगी जो साल भर ख़राब नहीं होगा और आप साल भर इसे एंजॉय कर सकते हैं। देखिए, ये गुच्छों में आते हैं और हम इन्हें अच्छा धो लिया है और इन्हें इस तरह से काटना है। इनकी टोपी नहीं हटनी चाहिए, आराम से धीरे धीरे इनको काटें। अगर आपकी टोपी हट गई तो हम उबालेंगे तब इसमें पानी चला जाएगा, इसलिए हमें इन्हें अच्छे से धीरे धीरे काटना है। ये सब काट कर तैयार हो गए हैं, देखिए आप इस तरह से ही आपको काटना है। अब मैंने ये गर्म पानी रखा है, गर्म पानी होने पर हम इसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे जिससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। देखिए आप, जिस गर्म पानी होने पर हम ये सारे गूंदे इसमें डालेंगे। ये मेरे पास 2 किलो गूंदे हैं, उसी के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए आप, मैंने सभी गूंदे डाल दिए हैं और एक उबाल आने पर मैं इन्हें ढक दूंगी और 2-3 मिनट के लिए इस तरह से हम इसे ढक देंगे। ढकने के बाद ये अच्छे से पक जाएंगे। हमें इन्हें 85% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए आप, इस तरह से ये पक गए हैं, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इन्हें छन्नी की सहायता से सारों को निकाल लेंगे और बहुत ही ध्यान से निकालेंगे। इनकी केप नहीं हटनी चाहिए इस तरह से। देखिए आप, इन सभी को हम निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करेंगे सूती कपड़े पर डालकर। देखिए सब अच्छे से निकल गए हैं। अब हम इन्हें सूती कपड़े पर फैला देंगे ताकि ये अच्छे से सूखे, चाहे पंखे में सुखाएं या ऐसे ही, पर हमें इनका सारा पानी ख़त्म करना है। इस तरह से आप फैला दें, इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। देखिए आप फैला दिए हैं, इन्हें हम 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। सूखने के बाद हम इनकी ये केप हटा देंगे। ये बहुत ही आराम से निकल जाती है। देखिए आप, इस तरह से हमें सभी को हटानी है। ये कभी कभी ख़राब भी निकलते हैं अंदर से, इसलिए अच्छे से देख लें फिर ही इसका अचार डालें, नहीं तो आपका सारा अचार ख़राब हो जाएगा। मैंने अब ये 2 केरी ली है, अच्छे से धो ली और इनका छिलका हटा दिया है। इस तरह से हमें छिलका हटा कर इन्हें किसना है। ये मैंने बारीक किस लिया, इसे किसने के बाद ये मैंने सौंफ, पीली सरसों, दाना मेथी, काली सरसों, राई और कलौंजी ली है। इन सबको मैंने दरदरा पीस लिया है और मैंने इसमें मिर्ची, नमक, ये हल्दी 3 टेबल स्पून, ये 2 बाउल मैंने मिर्ची ली है। हम मसाला ज़्यादा खाते हैं इसलिए मैं ज़्यादा डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये नमक है 1/2 बाउल से थोड़ा कम। अब मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब ये हमने सरसों का तेल लिया है, इसे अच्छे से गर्म करके थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैंने सारा मसाला मिक्स कर लिया है और अब मैं लहसुन भी डालती हूँ, इसलिए लहसुन और ये गूंदे जिनकी हमने केप हटा दी थी वो लिए हैं। देखिए आप, इस तरह से हमें सब मिक्स कर लेना है। अब मैं ये केरी डाल रही हूँ, हमें केरी बाद में डालनी है और फिर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये मिक्स कर लिया है, आप इसे 1 दिन बाहर भी रख सकते हैं ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए और फिर बर्नी में भरें, लेकिन मैं अभी ही भर रही हूँ। ये देखिए, बर्नी को आप थोड़ी देर धूप में रख दें 1 घंटा, या आप धुंगार लगा लें हींग का, उससे भी आपकी बर्नी बिल्कुल साफ़ रहेगी और अचार ख़राब नहीं होगा। आप इसे अच्छे से भर लें सारे मसाला और गूंदे को, और हमें इस पर इतना तेल डालना है कि ये बिल्कुल डूब जाए। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे भर लिया था और इस पर तेल डाल दिया है, थोड़ा तेल में और डालूँगी। थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें।